स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अपने आप में हम सब लोग के लिए प्रेरणा है। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा युवाओं को कि उठो और जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, तो हम सब लोगों को यही उनका संदेश है कि हम जो लक्ष्य तक करें उसको पाकर ही रुकें, अन्यथा जब तक हम प्रयासरत रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले होंगे, मेरे से मिले ने अपनी व्यथा बताइए, हम इस विषय में बात करेंगे। मैं देखो अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ और मेरे जीवन का शिक्षा विभाग का करियर मेला है उसको पहली बार देखूँगा, अधिकारी से बातचीत करूँगा, जितना उनके शब्दों से समझता हूँ शायद उसके उनके करियर के लिए कुछ कुछ जानकारी वहाँ देते हूँ। आप सब जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और रोजगार आधारित है, 12वीं तक पढ़ाई करके जब बच्चा निकलेगा तो अपना रोजगार स्वतः ही कर सकता है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, उसने उस पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया क्योंकि उनको या तो डर लगता था या वो करना नहीं चाहते थे। अब न्यू पॉलिसी बनाने वाले हैं उन्हीं की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और माननीय नरेंद्र जी मोदी का सपना है कि नई शिक्षा नीति लागू हो। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ काफ़ी प्रगति हुई है, हम भी इसको थोड़ा गति देंगे। पीएमसी स्कूलों में टीचर मेंटर प्रोग्राम स्कूल शुरू करने जा रही है, खासकर गर्ल्स के लिए शिक्षा विभाग इस तरह का प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है? अभी देखो मैंने सभी अधिकारियों को एक दिन बुलाया है, उस पूरी योजना को समझूंगा और उसमें कुछ और पॉजिटिव जोड़ सकते होंगे तो जोड़ने का प्रयास रहेगा। एक सवाल ये है, 72 घंटे से आ रहे तिथि बढ़ाने को, जो परीक्षा होगी तिथि बढ़ाने को लेकर के मांग कर करने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार की तरफ से किसी भी अभी मंत्री ने या अधिकारी ने उनकी बात नहीं की, किसी ने कैसे, मैंने सुनी ना, क्या रहेगा, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रहेगा क्या ये तो, क्योंकि मेरा स्वयं में अकेला निर्णायक नहीं हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भजन लाल जी और सब मिलकर के उस पर विचार करेंगे और जो पॉजिटिव होगा वही करेंगे। भूख हड़ताल तोड़ाने के लिए कोई कवायद करेंगे नहीं करेंगे? 72 घंटे से हमने कहा, मैंने आपने सुना नहीं, अभी हम सब विचार करेंगे और सकारात्मक रुख रखेंगे और सकारात्मक रुख रखेंगे तो जैसा वो कह रहे हैं यदि उनकी बात तार्किक है तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। मोटिवेशनल जो स्लोगन्स है उनको आत्मसात करें, इसके साथ ही भगवान श्री राम का, क्योंकि 22 जनवरी को जहां भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भगवान राम जी के आदर्शों पर चलकर युवा चलेंगे और विवेकानंद जी का मोटिवेशन को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और राजस्थान जो है वो अग्रणी प्रदेश बनेगा और राजस्थान का नाम रोशन होगा। 173वीं रैंक पहुँच गई मैडम। देखिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण में पिछले 3 सालों के अंदर जो नगर निगम ग्रेटर के अंदर इस कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह का संघर्ष रहा है, जिस तरह आपसी भेदभाव भी रहा है, आप देखिए कि संसाधनों के अंदर भी नगर निगम ग्रेटर कहीं ना कहीं ज़्यादा क्षेत्रफल है, 2.5 गुना बड़ा है, फिर भी इतना भेदभाव होने के बावजूद भी जो 8 कॉम्पोनेंट है स्वच्छता सर्वेक्षण के, 8 कॉम्पोनेंट में हम लोग 7 कॉम्पोनेंट में हम लोग आगे हैं। 7 कॉम्पोनेंट में अगर हमारी मार्कशीट चेक की जाए तो 7 कॉम्पोनेंट में हम आगे हैं और निश्चित रूप से 2024 में अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के अंदर नगर निगम ग्रेटर जयपुर 2024 का स्वच्छ सर्वेक्षण में आगे आएगा और काम करेंगे और जन सहभागिता की अपेक्षा बार बार कहने की बात करती हूँ कि जब तक हमें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अपना जयपुर की रैंक आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए जयपुर वासियों से भी कहना चाहती हूँ आपका साथ भी चाहिए हमें, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास होगा तभी हमारा शहर, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा।